गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। स्वेट धोने में डाल दिए इसलिए ये पहनना पड़ रहा है। ये वाले पहले बहुत चलते थे, ये वाले ऐसे वाले, ये इस वाला टाइप का पहले बहुत चलते थे, अब तो इतने नहीं चलते। पहले शॉल भी चलते थे ऐसे, मेरे पास दो दो शॉल है गए। मेरे शादी के टाइम पे चलते थे ये, तो अब तो फिलहाल नहीं चलते, अब तो नॉर्मल ही वाले चलते हैं। वो कहते हैं ना, सिंपल चीज़ सदाबहार चीज़। तो अभी फ़िलहाल मैं ना वीडियो बनाई थी वाली संक्रांति वाली, तो मकर संक्रांति वाली वीडियो प्लीज़ दोस्तों आप जरूर देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छी अच्छी और हमें पता भी होना चाहिए देखिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम अगर अपना घर संसार चला रहे हैं तो, और हम इस जीवन में एक यात्रा के लिए आए हैं, तो उस यात्रा को अगर हमें पूरा करना है अच्छे से तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ना स्वेटर निकाला था पहनने के लिए, कि मैं दूसरा स्वेटर पहनूँ थोड़ा अच्छा सा, तो थोड़ा अच्छी अच्छी लगूँ, तो उसको पहनने के लिए निकाला। तो फिर मैंने, मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक अपने सारे स्वेटर शॉल और जितनी भी मेरा विंटर का कलेक्शन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो वही मैं उसके लिए ही ये पलंग वलंग जो है खोल खाल के बैठी हूँ और वही सब कर रही हूँ, ये निकाल रही हूँ। तो ये दोनों है ना, पिछले साल मैं पहनती, आपने देखे होंगे, ये वाली हुडी है, ये मतलब हुडी टाइप है, मतलब चैन वाली है लेकिन हाँ हुडी है लेडीज़, और वो स्वेटर है। तो वो दोनों मैंने निकाले नहीं थे, बाकी मैंने सारे निकाल लिए थे पहनने के लिए डेली में, और जो आने जाने के हैं चार तीन चार वो रखे हुए हैं। तो सोच रही थी कि निकाल लूँ पहन लूँ, फिर कब पहनूँगी, सर्दियाँ चली जाएंगी जब पहनूँगी क्या। तो बस यही सब कर रही थी सुबह सुबह बैठ करके, और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15। मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी उठ करके गए नहाने के लिए, तो पानी गर्म हो रहा है उनका। और नाश्ते में एक्चुअली कल रात को है ना बथुए के पराठे बनाए थे, हाँ बथुए के, तो दो दो तो सीके रखे हैं, वो तो इनको दूंगी क्योंकि इनको बासी अच्छे लगते हैं, गर्म अच्छे नहीं लगते। और वैसे मैंने ज़्यादा सेके थे लेकिन इन्होंने फिर रात को बचे ही नहीं, सही बताऊँ तो फिर दो ही बचे हैं, तो ये बासी वाले ये खाएंगे क्योंकि इनको अच्छे लगते हैं, वैसे बासी वाले हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हर्षित को तो गर्म ही चाहिए और मुझे भी बासी अच्छे लगते हैं, लेकिन अब इनको दे दूँगी पहले क्योंकि फिर मैं बना लूँगी। थोड़ा सा आटा मैंने रख दिया था, और मैं आपको कहती हूँ ना कि कभी भी आटा बचे तो रात का आटा ना रखते नहीं, उठा करके कहते हैं कि रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप रखो ना तो उसके अंदर उंगलियों के ना छाप लगा करके रख देने चाहिए। अच्छा ना, कल के वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि है ना हम लोग है ना अकेले रहते हैं, बोर होते हैं, घर के बाहर भी नहीं जाते, हस्बैंड भी उनके पास भी टाइम नहीं होता, बाहर रहते हैं किसी के जॉब में रहते हैं, तो क्या करें, बोर होते हैं। तो देखिए आप मेरे वीडियोस देख लिया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए, हम एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ के ही तो एक दूसरे को ऐसे विजुअली जानते हैं, तो कमेंट्स किया कीजिए। और सही बताऊँ तो आपके अंदर कोई भी हॉबी हो जो आप है ना बचपन से चाहते थे कि मैं ऐसा करूँ और किसी ना किसी कारण से हम नहीं कर पाए, तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी को शौक होता है मेकअप का, तो आप मेकअप के मतलब मेकअप वाले वीडियोज़ होते हैं ना वो देखिए नहालो। और अगर आपको है ना DIY या आर्ट्स क्राफ्ट के अच्छे लगते हैं, करना अच्छा लगता है, तो उसके वीडियोस देखिए और बनाइए। सिंपल सिंपल वे जो घर के अंदर ही सारा सामान मिल जाता है वैसे वाले वीडियोस देख करके बनाइए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए। और घर सजाना तो किस लेडीज़ को अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है, तो घर सजाने वाले जो वीडियोज़ होते हैं उनको देखिए और मुझसे मेरे वीडियोज़ देखिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ घर के अंदर रहकर भी लाइफ गुजारी जा सकती है। क्यों दोबारा से रजाई लेके सो रहे हो? कर दी ना। और कैसे हो? 11 बज रहे, फिर से सो रहे हो? देख लो दोस्तों 11 बज रहे हैं और ये प्राणी अभी तक भी उठने का उनका मन नहीं है। 11 नहीं और भी 11:30 हो रहे हैं, देख लो ठंड लग रही है क्या? हमें नहीं लग रही क्या ठंड? मतलब ठंड आपके लिए आई है? हाँ लो आज बारिश तो रुक गई, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, बाहर जाके दिखाती हूँ। बारिश तो रुक गई लेकिन धूप नहीं है, सूर्य नारायण भगवान जी नहीं निकले, कपड़े सूख रहे हम लोगों के। सुबह ही भिगो करके रख दी थी ये मूंग की, तो आज मैं मूंग की दाल बनाऊंगी हींग जीरे का तड़का लगा करके, बहुत ही अच्छी सी बनती है। और ना मैंने सुबह ही धो ली थी ये, तो बस इसका पानी निकालना है और उसके बाद में इसको
बस बनाने के लिए रखना है। तो इसी कुकर में मैंने ना दलिया बनाया था, तो इसी कुकर के अंदर मैं इसे बनाने के लिए रखूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, बस लेवल तक ही डालेंगे, फिर नहीं तो दाल को है ना पकने में टाइम लगता है। साथ में इसमें मैं डालूँगी हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। साथ ही मैंने ना ये टमाटर जो है वो बारीक बारीक कट कर लिए, पूरा नहीं डालेंगे, मतलब मैं पूरा डालती हूँ ना फिर छोकते टाइम उसको ना मैश करती हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर ही डालेंगे ताकि इसके अंदर ही मैश हो जाए, क्योंकि मैं हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। और साथ ही इसके अंदर ना ये अदरक भी इसी टाइम पे डाल दूंगी, कूट के डालूंगी। मूंग की दाल ना मेरी फेवरेट दालों में से एक है, मुझे उड़द की दाल होती ना काली और सफ़ेद दोनों अच्छी लगती है, और मूंग की दाल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और खिचड़ी में तो फिर मुझे कोई सी भी दाल दे दो। तो यहाँ मैंने ना अदरक भी डाल दिया, साथ ही इसमें नमक भी ऐड करेंगे। अभी बारिश हुई है ना तो देखो नमक कैसे सिम गया है। तो नमक भी डाल दिया मैंने, और बस चम्मच से थोड़ा सा इसको मिक्स मिक्स कर देंगे, और इसको बस ढक्कन लगा करके, ज़्यादा सीटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सीटी में ही बन जाएगी। वैसे तो दो लूँगी मैं, खैर वैसे बनी है एक में ही जाएगी, लेकिन मैं दो लूँगी। ट्यूबी दाल अच्छी लगती है, मैंने ऐसा होती ना अलग अलग सी दाल वो नहीं अच्छी लगती इसलिए। अब बस लास्ट में क्या करूँगी, घी के अंदर हींग जीरा डाल करके और तड़का लगाऊंगी, और कुछ भी नहीं। और इतनी सात्विक सी दाल बनेगी और भगवान जी को भी भोग लग जाएगी, सात्विक सी दाल है इतनी टेस्टी लगती है ना, और चटनी रखी है साथ में और गुड़ हो जाएगा। तो आज का यही होगा लंच। और हाँ कल आलू मेथी बनाई थी ना तो वो भी रखी है, क्योंकि रात को तो बथेरे के पराठे बना लिए थे तो ये बच गई, तो ये भी हो जाएगी, इनकी फेवरेट है ना आलू मेथी, तो आलू मेथी हो जाएगी, दाल हो जाएगी, साथ में चटनी हो जाएगी, गुड़ हो जाएगा, बस हो गया। और मेरा तो दाल से हो जाएगा, मेरा तो मुझे तो दाल पसंद है, और हर्षित को भी दाल से हो जाएगा। विलेज की लाइफ कैसी होती है ना, बस यही सोचने में जाता है कि वो क्या खाएगा, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, सारा मतलब सुबह शाम यही सोचने में दिन जाता है कि इसको ऐसे कर लेंगे। यार अपन से ज़्यादा कोई भी है ना, मतलब घर को मैनेजमेंट का वो होता है ना CA वगैरह, कोई नहीं कर सकता, CA भी फेल है अपने आगे। वैसे सोचा तो ये था कि पकोड़े बनाऊंगी बेसन के प्याज वाले, बट क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है कि जो पकोड़े हैं वो बोल रहे हैं कि हमें कढ़ाई के अंदर डालो और खाओ, लेकिन है ना बथे के पराठे बच गए तो फिर उनको भी हिले लगाना है, और जो पहले की चीज़ें बचती हैं ना उन्हें पहले हिले नहीं लगाओ ना तब तक नया बनाने का कुछ मन नहीं करता, इसलिए पहले उसको हिले लगाएंगे, फिर देखेंगे मौसम तो ऐसा ही रहने वाला है, तो बनाएंगे फिर पकौड़े प्याज के। और वैसे संक्रांत वाले दिन मंगोड़े तो बनाएंगे ही, और आप लोग बोल रहे थे कि है ना खीर पूड़ी बनाओगे, तो मैं भी खीर पूड़ी बनाऊंगी, वैसे मैं खिचड़ी बनाती लेकिन मैं खिचड़ी बना लूँगी, दाल खीर और वो पूड़ी भी बना लूँगी, खीर भी बना लूँगी, सब और कुकर ने भी हाँ बोल दिए कि बना लेना, और मंगोड़े रात के टाइम में बनाएंगे, सुबह के टाइम में नहीं, सुबह रात के टाइम में मंगोड़े। और सही है प्लानिंग मेरा, मैं मेनू बनाती हूँ ना, ये चौपट कर देते हैं मेरा दोनों बाप बेटे। सही है शिव मेनू है, क्योंकि सुबह फिर सुबह की जो पूड़ी वूड़ी बचेगी ना कि वो रात में पकौड़े के साथ में चल जाएगी, है ना पूड़ी वूड़ी है ना, रात में जैसे पकौड़े बनाऊंगी तो पेट नहीं भरा बाई चांस, पूरी खा लेना थोड़ी है। हर्षित क्या कर रहा है यहाँ पे, पढ़ाई, और ये अजूबा कभी कभी देखने को मिलता है, इसलिए इसे कैप्चर करना तो बनता ही है। कुकर को मैंने खोल दिया है और इस तरह से थोड़ा सा ना चम्मच से ही घोंट लेंगे, तो देखिए इसमें ना कहीं पर भी ना टमाटर वमाटर नहीं दिख रहे, और इसमें ना थोड़ा सा जो है पानी ऐड करेंगे, जितनी भी आपको करनी है पतली गाढ़ी उस हिसाब से, तो मैं ज़्यादा पतली नहीं करूँगी क्योंकि हम रोटी के साथ में खाएंगे, तो ये इतनी ही रखूँगी मैं इस स्टेज पे, और बस इसमें ना हींग जीरे का तड़का लगाऊँगी।
देखिए कौन आया है मिलने आपसे, कौन कौन आया है। हम राजा बेटी है, हम रानी बेटी, नहीं राजा बेटी नहीं, रानी बेटी है हम। हम यहाँ पे ताई से प्यार प्यार कराने आए हैं। कैसे प्यार कराती है गुनु? नाचो नाचो, डांस 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 बोलू, हिंदी इंग्लिश, डांस डांस करो, रियल डांस डांस डांस। आज प्यार करो, अपन तो प्यार करेंगे पहले की जैसे, चिपक जा गाले में, गाल पे गाल पे, ऐसे नहीं। क्या दिख गया? शाम हो गई है दोस्तों, शाम की चाय बना रही हूँ और शाम की चाय के साथ में मिल रही हूँ। एक्चुअली ना दिन में सो जाती हूँ, सुबह अगर 5 साढ़े 5 बजे, आज तो मैं 5 बजे से ही मेरी नींद खुल गई थी, तो अगर मैं जल्दी उठती हूँ ना तो फिर मुझे दोपहर में नींद आती है, क्योंकि रात को भी सोते सोते मुझे 12-1 बजता ही बजता है। तो और सो गई थी तो अभी उठी हूँ, उठ करके इनके लिए खाना बनाया, ये अभी खा करके गए हैं, अभी 5 बज गए होंगे हर्षित है, 5:30 ऐसे बज गए, तो ये आए थे 5 बजे के आसपास, इन्होंने 5 बजे खाना खाया, देख लीजिए। तो अभी ये रात का खाना कब खाएंगे, वही तो हो जाता है इनके, ऐसे ही चलता है इनका, रूटीन ही नहीं है कोई। सो मैं चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे फिर देखते हैं। आज थोड़ा आलस आलस से आ रहा है, जैसे सो जाओ ना थोड़ा सा तो उठो तो फिर उसके बाद में आलस आलस से आता है। भगवान की लाइट जला दी ना मैंने? हाँ जला दी, जस्ट आरती करी है। धुआं धुआं दिख रहा है क्या? वीडियो में दिख रहा नहीं होगा लेकिन धुआं धुआं हो रहा है, हर्षित बोल रहा है इतना धुआं कर दिया। आज मैंने ना धूप बत्ती जला दी थी और हर्षित को ना धुएं से बड़ी एलर्जी है, तो मैं धूप बत्ती, आपने देखा होगा मैं कभी भी पूजा करती हूँ तो धूप बत्ती नहीं जलाती हूँ, सिर्फ दिया जलाती हूँ, क्योंकि हर्षित को है ना बड़ी धुएं से एलर्जी रहती है। तो मैंने उसको नीचे भगा दिया कि तू नीचे जा। और ये ना फ्राइडे को सफाई करी थी, सैटरडे को धोना ही भूल गई, अब आज धोएं संडे को, और ना बाहर सुखाए थे लेकिन बूंदा बांदी आ गई, तो फिर मैंने इनको यहाँ पर ही डाल दिया, निचुड़ गए थे तो यहाँ पर ही मैंने डाल दिया। और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका लाइक है ना, मुझे लाइक जो होते हैं ना वो मुझे मोटिवेट करते हैं, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल मैंने आपसे बोला था जिसके लास्ट में MENTI ऐसे वर्ड्स बताना, आपने बहुत सारे वर्ड्स बताए, और रियली सबसे अच्छा मुझे जो वर्ड लगा वो था कॉमेंट, जो मैंने सोचा भी नहीं था किसी और MENTI कॉमेंट यार, सच में तो मुझे सबसे अच्छा वो वाला लगा था वर्ड, बाकी तो है ही है सारे वर्ड्स, लेकिन कमेंट वाला तो मतलब दिल के यहाँ है ना, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और फिर भी मुझे याद नहीं था ऐसा तो। और आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा आपको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ी सी पीछे की यादों में जाना पड़ेगा। आपको आज बताना है कि आपके स्कूल टाइम में, आपके स्कूल में कौन सी प्रेयर हुआ करती थी, आपको आज ये बताना है। हमारे स्कूल में तो ये हुआ करती थी, दया करदान, भक्ति का हमें वरदान, तरह तरह से है ना बुलवाते थे सर, कभी ये वाली बुलवाते थे, कभी कोई दूसरी बुलवाते थे, कभी कोई दूसरी बुलवाते थे, अलग अलग बुलती थी, लेकिन मोस्टली हमारे स्कूल में ये वाली बुलती थी, दया करदान भक्ति का ये वाली। तो आप लोग बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सी प्रेयर बुला करती थी। तो चलिए स्कूल के दिनों में चलते हैं, स्कूल की यादों को ताज़ा करते हैं। वीडियो को यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।